नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज मॉडल टेस्टिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाकी भी दूसरे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। कितना काम किया गया हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर द्वारा पानी के ऊपर, कौन कौन से अलग अलग एफिशिएंसीज होती हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, मैनोमेट्रिक हेड यानी कि अलग अलग टाइप के हेड्स कौन से होते हैं, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, तो ये सारी चीजें, डेरिवेशन क्या है आपकी स्पेसिफिक स्पीड का, वो तो मैंने वैसे लिखा हुआ है और साथ में बनाया हुआ है सिंबल। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, सपोज फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, मैकेनिकल कंपनी है, क्योंकि फ्लूइड इधर से उधर जाता ही है, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है, ठीक है। अब इसका जो सिंबल होता है, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वहां पर काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर या फिर केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनको बनाना पड़ता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। क्या बनाना पड़ता है? दिस इज प्रोसेस फ्लो डायग्राम, क्लियर हो गई? ओके, या फिर पीएनआईडीज। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या बताता है आपको? सिर्फ ये एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है जहां पर प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वहां पर जो क्या बोलते हैं, अब सपोज इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में कहीं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप बताना है तो कुछ इस तरह से बताया जाता है। यह है आपकी सक्शन लाइन, ठीक है, इसके बीच में लगा होता है इंपेलर, ठीक है, ओके, और हाई प्रेशर से फ्लूइड ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, तो ये एक टाइप का सिंबल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम बहुत डीप है, इसमें हर एक चीज बताई जाती है, लाइन का साइजिंग क्या रहेगा, आउटलेट में कितना प्रेशर रहने वाला है, कौन सी पाइप यूज कर रहे हैं, ये जो पाइप है ये इंसुलेटेड है या नहीं है, कोल्ड है क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये मैं बता रहा था आपको। और ये जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज योर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, ये है स्पेसिफिक स्पीड NS, ये है आपका N यानी कि RPM, ये भी स्पीड ही है, ठीक है, ये फ्लोरेट है, अंडर रूट क्यू है, याद रखिएगा ये, ठीक है, और ये है हमारा मैनोमेट्रिक हेड रेस टू 3/4। ओके, तो आज हम स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल पंप की मीन्स क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज एक इंडस्ट्री है, ठीक है, अब हमें इससे पहले की इंडस्ट्री में एक्चुअल बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि इससे पहले कि हम एक्चुअल पंप बनाए, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं यानी कि बड़े बड़े, यानी कि सपोज कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोटोटाइप बोलेंगे या फिर एक्चुअल पंप बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम छोटा मॉडल बनाएंगे, सपोज ये बड़ा पंप है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइप। क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइप, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे, छोटा पंप बनाएंगे जिसको बोलते हैं मॉडल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मॉडल। अब कैसे, देखिए, तो मैं प्रोटोटाइप नहीं बनाने वाला हूं, या फिर एक्चुअल पंप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? एक्चुअल पंप। तो इससे पहले कि मैं एक्चुअल पंप बनाऊं या फिर एक इंडस्ट्री डालूं जहां पर ये मेरे को पंप बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, छोटे मॉडल्स बनाऊंगा, ये हो गए हमारे मॉडल्स, ठीक है, जो कंप्लीट सिमिलैरिटी में होंगे, ठीक है, इसकी सिमिलैरिटी सेम टू सेम इससे मैच खाएगी, आपस में ये मॉडल और क्या बोलते हैं हमारे प्रोटोटाइप या एक्चुअल पंप कंप्लीट सिमिलैरिटी में होंगे, क्लियर हो गया ये? ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इससे पहले कि हम ये बनाएं, हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल और आपके प्रोटोटाइप कंप्लीट सिमिलैरिटी में होंगे, यानी कि मिलते जुलते एक जैसे ही होंगे, समझ में आ रहा है, कंप्लीट सिमिलैरिटी में होंगे, ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम मॉडल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट करने के फायदे क्या है, ताकि हम क्या बोलते हैं इसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकें, बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकें या फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से बता सकें, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में जो सिमिलैरिटी होगी वो तभी एग्जिस्ट होगी जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो जो पहली कंडीशन है आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दैट इज योर कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक स्पीड, किसकी? आपकी स्पेसिफिक स्पीड, देखिए सिंबल होता है आपका स्पेसिफिक स्पीड का, ये होता है आपकी स्पीड, ओके, ये भी आरपीएम में है, ये भी आरपीएम में है। तो मैं ये बोल रहा था कि मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो तभी एग्जिस्ट होगी, कब एग्जिस्ट होगी, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, जब कोई कंडीशन संतुष्ट, आपको संतुष्टि मिलेगी, क्लियर हो गया?
मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलैरिटी तभी पैदा होगी, कब पैदा होगी, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जो पहली कंडीशन आज हम बात करने वाले हैं कि आपके मॉडल का जो भी स्पेसिफिक स्पीड होगा, ठीक है, मॉडल का जो भी स्पेसिफिक स्पीड होगा वो आपके स्पेसिफिक सीट की स्पीड के प्रोटोटाइप के बराबर होना चाहिए। प्रोटो एक काम करता हूं, प्रोटोटाइप के बराबर होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब था दैट स्पेसिफिक स्पीड, अभी देखते हैं एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। अब ये कौन सा किसकी स्पेसिफिक स्पीड है, ये है हमारे मॉडल की, ठीक है। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, आपके स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं, कोई रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात नहीं कर रहे हैं, और ये होनी चाहिए प्रोटोटाइप की, ठीक है। प्रोटो लिख रहा हूं बस इतना, क्लियर हो गया ये, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं एकदम अच्छे से। तो मेरा कहने का मतलब था, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो कहने का मतलब है एनएस मॉडल का, ये दोनों बराबर होना चाहिए, वैसे मैंने लिखा हुआ, वापस लिख रहा हूं, प्रोटो, ओके। एनएस की वैल्यू क्या है, एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच एम रेस टू 3/4, ओके। ये मॉडल का हो गया, ओके। सेम हम लिख सकते हैं दिस इज बाय, तो ये जो क्या बोलते हैं, हम ये जो भी लिख रहे हैं ना, ठीक है, सपोज अगर हम कोई मॉडल के ऊपर टेस्टिंग करते हैं तो हम आराम से हमारे प्रोटोटाइप का बिहेवियर बता सकते हैं, परफॉर्मेंस बता सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा, तो सबसे पहला था हमारा क्या, दिस इज स्पेसिफिक स्पीड आपकी मॉडल की, और स्पेसिफिक स्पीड आपकी क्या बोलते हैं, प्रोटो की, प्रोटोटाइप की सेम होनी चाहिए, यानी कि एक्चुअल पंप्स की सेम होनी चाहिए, ओके। अब दूसरा देखते हैं, एक रेशियो है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी से निकलता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, टेंजेंशियल वेलोसिटी से निकलेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखिएगा दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको मालूम है पंप के, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में आपकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इंपेलर की, इनलेट पे और आउटलेट की, वो कैसे दी जा सकती है, कौन से फॉर्मूले से, दैट इज योर यू इक्वल टू पाई डी एन बाय 60। वो डिपेंड करता है कि इंटरनल डायमीटर है या फिर आउटर डायमीटर है इंपेलर का, ठीक है। एन इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द इंपेलर, याद रखिएगा ये एन जो है ये स्पेसिफिक स्पीड नहीं है, ओके। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं दैट यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन इंटू, ठीक है। अगर हमें ये भी मालूम है दैट यू इज, यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ, वी एफ क्या है हमारा, ये फ्लो वेलोसिटी है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा अंडर रूट एच एम से, हो गया ये क्लियर, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब इस फॉर्मूले से हमारा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एन है, ओके। और हमारे पास ये ऑलरेडी है और ये हमें मालूम है, हमने पिछले वीडियो से निकाला था, पिछला वीडियो कौन सा था हमारा, दैट वाज योर रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पीड का एक्सप्रेशन भी था, और स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है वो भी बताया हुआ है हमने, ठीक है। तो यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिए यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम, एंड वी एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम, एंड मीन्स अंडर रूट एच एम, एंड यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ। तो हम U का रिलेशन HM से निकाल देंगे, तो देयरफॉर U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम इसे क्या लिखेंगे, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HM। तो U की जगह मैं ये लिख दूंगा अंडर रूट HM, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इनटू N। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी रिलेशन का यूज करके HM और D और N को नीचे ले लूंगा, ओके। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट आपके मॉडल में भी सेम रहेगा और प्रोटोटाइप में भी सेम रहेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, एच एम बाई डी एन, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल के लिए भी हो जाएगा, और ये जो रेशियो है, ठीक है, वही आपका प्रोटोटाइप के लिए भी सेम होना चाहिए, एच एम बाई डी एन, और ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप के लिए भी, हो गया ये। तो ये हो गया हमारा दूसरा, एक काम करते हैं, इसको हम कहीं पे यूज करने वाले हैं, एक काम करता हूं इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में, प्रोटोटाइप यानी कि एक्चुअल पंप जो एक्चुअली में इंडस्ट्रीज में बनाने वाले हैं आप, ठीक है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी तभी एग्जिस्ट होगी जब ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, ओके। तो मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज अंडर रूट एच एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन, क्योंकि आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो लेट मी चेंज माय अनदर, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे थर्ड पॉइंट की तरफ, कोई थर्ड कंडीशन कौन सी है हमारी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि आगे भी हम इसको यूज करने वाले हैं, ओके। अब ये जो थर्ड है हमारा, दिस इज योर फ्लो रेट, क्या है, दिस इज योर फ्लो रेट, ओके, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब फ्लो रेट क्या होता है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, दैट इज इक्वल टू
आपका E इक्वल टू पाई डी, देन योर B दिस इज इन टू एंड दैट इज योर फ्लो वेलोसिटी, आपने पिछले फॉर्मुले में भी देखा था. ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, तो हम इससे लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इन टू B इन टू VF. ठीक है, अब आपको मालूम है जितना जितना बड़ा डायमीटर होगा उसी हिसाब से आपका मीन्स B, यानी कि B क्या है, आपकी विड्थ ऑफ द इंपेलर, तो जितना डाया होगा उसी के प्रोपोर्शनल आपकी विड्थ भी होगी. तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी को रिप्लेस कर दूंगा. देखिए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है या फिर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, बी इज विड्थ ऑफ द इंपेलर, तो इस बी को मैं डी से रिप्लेस कर दूंगा. सो दैट विल बी डी स्क्वायर इन टू वी एफ. ठीक है, ओके, देन आप देखिए डी स्क्वायर, अब वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एम है, क्या है, डी स्क्वायर मीन्स सॉरी वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एम है, मतलब मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूं, वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एम, तो इसी रिलेशन को मैं यूज करने वाला हूं फिलहाल. ठीक है, तो ये वी एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, दिस इज अंडर रूट एच एम. ओके, ऑलरेडी आपको मालूम है कि हमने लिखा है दैट अंडर रूट एच एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एम, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इन टू अंडर रूट एच एम को किससे रिप्लेस कर देंगे, जो हमने निकाला था सेकेंड पॉइंट से, डी इंटू एन. तो ये कुछ रिलेशन इस तरह से दिखेगा, डी स्क्वायर इंटू डी इज योर डी क्यूब इंटू एन. तो ये जो रिलेशन है इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, डी क्यूब एन इक्वल टू, ये भी आ गया हमारा कॉन्स्टेंट. हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, कैसे आया, देखिए ये कॉन्स्टेंट एक्चुअली में मैंने क्या किया था, क्यू ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट खुलूंगा, सपोज के आ गया, ठीक है, डी क्यूब ये इनटू है बीच में एन, तो यहां पर मैंने डी क्यू बाय एन नीचे ले लिया और यहां पे कांस्टेंट बच गया, यानी कि ये के बच गया, के. क्लियर हो गया? या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्या, दैट क्यू बाय ये जो रेशियो है, ये मतलब कहने का मतलब है ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे मॉडल के लिए, और ये जो मॉडल के लिए ये जो आपका कांस्टेंट आया है या फिर ये जो रेशियो आया है सेम आपका आना चाहिए किसके लिए, आपके प्रोटोटाइप के लिए. सो दिस इज योर प्रोटो टाइप. हो गया क्लियर? चलिए ये भी हो गया हमारा. ठीक है, तो चलिए इस रिलेशन को भी मैं कहीं लिख लेता हूं. अब कौन सा रिलेशन लिख रहा हूं, ये वाला लिख रहा हूं एक्चुअली, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब इंटू एन, क्योंकि आगे हम यूज करने वाले लास्ट जो चीज रह गई दैट इज योर पावर, चौथा पॉइंट हमारा. तो आपको मैं एक बार वापिस बता दूं कि अगर आपको ये जो सिमिलैरिटी है किसके बीच में, मॉडल के बीच में, मॉडल क्या है हमारा, छोटा सा क्या बोलते हैं एक टाइप है, जैसे कि आप जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो आपको मॉडल बनाना पड़ता है इससे पहले कि आप एक्चुअल मशीन बनाए, तो जो सिमिलैरिटी है वो तभी पैदा होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, तो चौथा पॉइंट देखेंगे हमारा पावर क्या होता है, पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. ओके, देखिए अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पावर जो है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर का कितना रिक्वायरमेंट है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है रो, दिस इज स्पेसिफिक वेट, आपको बता देता हूं रो क्या होता है, दिस इज हमारा जो होता है दैट इज डेंसिटी इंटू जी होता है, यानी कि डेंसिटी इंटू जी होता है. ठीक है, ओके, इंटू क्यू इंटू योर दिस वन मैनोमेट्रिक हेड. क्लियर हो गया? ओके, तो इससे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये तो कॉन्स्टेंट है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू एच एम. ठीक है, ओके, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर, इस क्यू को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं. देखिए यहां पर हमारा जो सेकेंड हमने पॉइंट लिखा हुआ है डी क्यूब इंटू एन इंटू, ये देखिए हमने रिप्लेस कर दिया क्यू को और यहां पर लिखा हुआ एच एम. ओके, फाइनली यहां पर देखिए दैट दिस इज डी क्यूब इंटू एन. ओके, ये जो एच एम है ये एच एम को हम किससे रिप्लेस कर दें. ठीक है, अब आप देखिए अंडर रूट एच एम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एन है, तो अगर हमें एच एम की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा डी स्क्वायर एन स्क्वायर. तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या लिखूंगा, दिस इज द डी स्क्वायर एन स्क्वायर. क्लियर हो गया? ये कैसे लिखा मैंने, कौन सा फॉर्मूले का यूज करके, देखिए ये जो चीज थी ना हमारी, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. या तो मैं ये बोल रहा था ये अंडर रूट एच एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एन है, तो मैंने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या इधर भी और इधर भी, तो इससे क्या होगा ये रूट हट गया यहां पे, क्योंकि रूट ये जो अंडर रूट है, रूट मतलब क्या होता है हाफ होता है. ओके, आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो टू टू कैंसिल, तो यहां पे हो गया एच एम और ये स्क्वायर डी को भी जाएगा एन को भी जाएगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर एन स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं साफ साफ एच एम कैन बी रिटन एज मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर एन स्क्वायर. हो गया, ये फिलहाल मैं इनको यूज नहीं कर रहा हूं. सो फाइनली हम जो लिख सकते हैं दैट इज योर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब इंटू डी रेस टू टू इज योर डी रेस टू फाइव
एन इंटू एन स्क्वायर इंटू एन रेज टू क्यूब। सो फाइनली मैं लिख सकता हूं ऐसे इक्वल टू, ओके प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाया तो के आ जाएगा, सपोज पिछले बार हमने के यूज किया तो इस बार के वन यूज कर लेंगे तो वो कॉन्स्टेंट होगा। सो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, डी रेज टू फाइव एन क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखिए, यहाँ पे कुछ के टू के थ्री लिख सकते हैं, ठीक है ओके। और अच्छे से लिखेंगे तो ये जो रेशियो आया है आपका मॉड्यूल में भी सेम होना चाहिए और आपके प्रोटोटाइप में भी सेम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल के लिए भी इक्वल टू पी बाय डी रेज टू फाइव एन क्यूब, ये हो गया हमारा किसके लिए, प्रोटो टाइप के लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए इसका यूज क्या है, अगर आपको मॉडल के ऊपर किए गए टेस्ट के बारे में रिलेटेड जानकारी है, सपोज आपको मालूम है कि पावर कितनी लगी मॉडल को, कितने आरपीएम पे वो चल रहा था, कितने डायमीटर पे चल रहा था, तो आपको एक प्रोटोटाइप डिजाइन करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि वो इतने आरपीएम पे चल रहा था, इतने पावर पे चल रहा था, उसके लिए लगने वाला डायमीटर कितना होगा, ठीक है, इंपेलर का, तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं और जो भी डेटा है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यही मकसद था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। और घर पे रहें क्योंकि अभी जो वीडियो बन रहा है हमारा इस टाइम पे बन रहा है, क्योंकि आज के बाद में भी हो सकता है कि ये देखें वीडियो, तो इस टाइम पे कोरोना का बहुत जोर है, घर पे रहिए, हाथ साबुन से धोइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।